मुल्तान। मुल्तान एक कदीम शहर है जिसे कभी मालिस्तान कहा गया, कभी मुल्तान कहा गया। लेकिन इस सवाल से हकीकत तो ये कि यहाँ एक कबीला माली के नाम से आबाद था और उसी कबीले के नाम से माली आस्थान, आस्थान उस जगह को कहते हैं जहाँ आबादी होती है, तो इसके नाम मालिस्तान पड़ गया। उसके बाद ये मौलितान, मालितान, मुल्तान बन गया। मुल्तान एक कदीम शहर है और इस शहर की सबसे बड़ी वजह शोहरत ये है कि ये औलिया इकराम, सूफिया इकराम, उलमा इकराम, बुजुर्गान दीन का शहर, इसे मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है। इस शहर में जहाँ सिखों की, हिंदुओं की, अंग्रेजों की समेत बेशुमार तबाहियाँ देखी, हर एक ने मुल्तान को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, मगर मुल्तान आज भी जिंदा जावेद है, आज भी जिंदा शहर है। ये गोके, ये मोहनजोदड़ो का हम असर है, ये हड़प्पा का हम असर है, जहाँ की तहजीबें मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन मुल्तान आज भी जिंदा शहर है। इस शहर की एक वजह शोहरत जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है वो ये है कि जब 1947 में पाकिस्तान मुगर्रज़ वजूद में आया, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर कर आया, तो महाजरीन जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हिजरत की, वो इस शहर में, खानेवाल में, लोधरा में, दीगर शहरों में भी ट्रेनें भर भर के महाजरीन की आई जो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ गए थे। और अहले मुल्तान ने बाकायदा तौर पर न सिर्फ उन्हें पनाह दी बल्कि तमाम लोगों को जो कि कट चुके थे, जो कि लुट चुके थे, उन्हें यहाँ इसी मुल्तान शहर में, शहर के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में सपुर्द खाक किया। आज भी यहाँ उर्दू बोलने वालों की एक बड़ी तादाद जो कि भारत से हिजरत करके आई है, मुल्तान शहर के मुख्तलिफ तहसीलों में, मुख्तलिफ ज़िलों में आबाद हैं, और यहाँ इस बात का तसव्वुर नहीं किया जाता कि ये पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं या महाजर हैं या उर्दू बोलने वाले हैं। इस वक्त मैं जिस बोगी पर खड़ा हूँ ये उसी दौर की एक बोगी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उस गार्ड के कमरे पर जिसे कत्ल कर दिया गया था, जो भरी ट्रेन जब लेकर पाकिस्तान की जानिब आ रहा था तो उस गार्ड को भी कत्ल कर दिया गया था। और न सिर्फ गार्ड को कत्ल किया गया था बल्कि ये पूरी बोगी जो इस वक्त मुल्तान शहर में मौजूद है मुकम्मल तौर पर खून आलूद थी। किसी के हाथ थे, किसी के पैर नहीं थे, किसी की आंखें नहीं थी, और ये पूरी की पूरी पटरियां जो इस वक्त नजर आ रही हैं खून आलूद थी। ये ट्रेन, ये बोगी, इसके अलावा दीगर ट्रेनें मुकम्मल तौर पर खून आलूद थी जो कि एक अलमिया से कम नहीं। मगर आज पाकिस्तान की जानिब लातादार लोगों ने हिजरत की, लेकिन मुल्तान में आज भी जो है बाकायदा तौर पर इस बोगी को संभाल कर रखा गया। आज भी इन पटरियों पर जहां लोगों का कत्लेआम था, लोगों की लाशें थी, आज भी यहां के इर्द गिर्द के रहने वाले यहां पर अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाते हैं और उनकी याद मनाते हैं। और ये बोगी एक निशाने के तौर पर मुल्तान के ओल्ड स्टेशन पर पड़ी है जो कि मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म हो चुका है। और सिर्फ ओल्ड स्टेशन पर ऐसी निशानियां नहीं बल्कि न्यू स्टेशन जो मुल्तान का है वो भी 1947 से पहले बना, वहाँ भी लातादाद ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि महाजरों के कुर्बानियों की, जो कि भारत से आने वालों की कुर्बानियों की याद दिलाते हैं। मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, कैमरामैन शब्बीर भट्टी के साथ मुल्तान।